हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 12 अप्रैल, सुबह के बज रहे हैं 9। चलिए शुरू करते हैं। आप भी 2020 में अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। जैसा कि आप सबको पता होगा कि महज 2 या 3 दिन बच गए लॉकडाउन 21 दिन का ख़त्म होने में, और आप सब ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट ये लॉकडाउन को एक्सटेंड करने वाली है थ्रू आउट द कंट्री। अगर आपको YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो हमारे पूरे वीडियो देखें। मैं यहाँ पे अपनी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसमें वीडियो अपलोड करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे करें, तो तकरीबन 70 to 75% ऑफ इंडियंस जो जानती ही नहीं है कि आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। YouTube चैनल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे अपना, आप एक एग्जांपल बताओ कि आप अपना खेत है, ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म हुआ, वहाँ पे आप उगाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स, और उसको बेच के आप अर्निंग करते हैं। उसी तरह पे ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको एक जगह दी गई है कि यहाँ पे आप अपने वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं कोई भी किसी की टाइप के, और उस वीडियो पे सर्टेन अमाउंट के व्यूज़ आने के बाद गूगल उसके ऊपर की एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर होगी, आगे, बीच में, एंड में। उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू गूगल पैसा अर्न करेगी और उसमें से कुछ प्रतिशत वो आपको भी देंगी क्योंकि वो वीडियो आपने बनाया। यूट्यूब में इस हिसाब से अर्निंग होती है। उसमें सिर्फ खाली आपको वीडियोस बनाने हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट के वीडियोस बना के अपलोड करने हैं, ठीक है, और वहाँ से व्यूज़ धीरे धीरे उस चैनल पर आएंगे, वीडियोज़ आपके वायरल होंगे और आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो आपके पास एक Gmail अकाउंट चाहिए, ठीक है, जो हम सबके पास होता ही है। अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, आई बटन पे उसकी लिंक होगी, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे गूगल अकाउंट पे Gmail अकाउंट क्रिएट कर सके, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिए, फिर वापस यहाँ के कैसे YouTube चैनल क्रिएट करना है वो देखिए। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की ओर। तो चलिए, हम आ गए मेरे लैपटॉप में। अब चलते हैं यहाँ से सीधा क्रोम ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, jax.pandu, जो मेरी ईमेल आईडी हमने क्रिएट की थी उसमें लॉगिन कर लिया है। अब हमको जाना है यहाँ से यूट्यूब में। तो आप यहाँ और 339 डॉट्स है, वहाँ से आप यूट्यूब सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं नए टैब में यूट्यूब खुल चुका है। तो अब आपको सिंपली जाना है यहाँ पर, जे लिखा है वहाँ पर, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट अ चैनल, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन योर क्रिएटर जर्नी बिगिंस, ठीक है। तो यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि चूज़ हाउ टू क्रिएट योर चैनल, ठीक है, दो ऑप्शन है, यूज़ योर नेम और यूज़ अ कस्टम नेम। अब यहाँ पे दो चीज़ बता रहे कि क्या आप अपने नाम से चैनल चालू करना चाहते हैं या आप अपनी ब्रांड के नाम से चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप अपने ब्रांड के नाम से चैनल स्टार्ट करें, तो यहाँ पे यूज़ अ कस्टम नेम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर वहाँ से ये चूज़ मैंने इसलिए आपसे करवाया क्योंकि अगर आपको अपने नाम से नहीं चालू करना है, कुछ और नाम से चैनल स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं, नाइस वर्क, योर चैनल जैक्स पांडू हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ से चैनल क्रिएट हो गई है। अपलोड पिक्चर्स के लिए आपको बोल रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पे टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल, वो सब हम बाद में डालेंगे, ठीक है। यहाँ से सेव अप सेटअप लेटर कर दीजिए। तो गाइज, हम आ गए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैक्स पांडू नो सब्सक्राइबर और कस्टम चैनल, जहाँ पे अपने को बता रहा है कि आप कैसे इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में यूट्यूब स्टूडियो है और नीचे अपलोड वीडियो करने का ऑप्शन है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी चैनल बन गई है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो अब मैं आपको बता दूं कि इंटरफेस क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आइकॉन पे आप जब यहाँ लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा होगा कि यहाँ से आप अपना लोगो है जो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चैनल का नाम है, ठीक है, नेम यहाँ पर है, सब्सक्राइबर अभी कोई नहीं है। यहाँ पर कस्टम चैनल, वहाँ से आप अपनी चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बगल में YouTube स्टूडियो, जो बाद में जब आप वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तब जाके उसमें बहुत सारे फीचर्स है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, YouTube स्टूडियो। उसके बगल में अगर यहाँ देखेंगे तो आप होम पे चले जाओगे, जो नॉर्मल आप YouTube देख रहे थे सब फीड वही आएगी, उसके नीचे ट्रेंडिंग टॉपिक सब वही है, ठीक है। अभी आपने यहाँ तक कर लिया तो आप क्लिक कर दीजिए कस्टम चैनल पर।
कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना चैनल का लोगो डाल सकते हैं, यहाँ पे पीछे चैनल आर्ट डाल सकते हैं। अगर आप कहे तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कैसे प्रोफेशनली चैनल आर्ट डाले और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके चैनल आर्ट बना सकते हैं और लोगो बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना चैनल का डिस्क्रिप्शन डाल सकते, यहाँ पे जो है सेटिंग गियर है उसको उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सब चैनल की सेटिंग्स दिखा रहा है आपको कि आपको क्या क्या प्राइवेट रखना है, क्या क्या आपको शो करना है, क्या शो नहीं करना है। देख रहे हैं यहाँ पे तीन बटन है, ठीक है। एक ये जो है जो कैमरा आपको दिख रहा है, ठीक है, वीडियो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन है आपके पास, अपलोड वीडियो और गो लाइव, ठीक है। तो जो भी वीडियोज़ आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ से अपलोड करने रहेंगे आपको, ठीक है। और लाइव अगर जाना है तो आप यहाँ से लाइव जा सकते हैं। अभी बगल में जो है बेल वो है नोटिफिकेशन का, अभी अपने पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है क्योंकि अपना चैनल नया है, तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि किसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आपने कुछ किसी और के सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसने जो भी वीडियो डाला रहेगा तो इसमें नोटिफिकेशन में आता रहेगा। चैनल पे सबसे पहले अपने चैनल क्रिएट करने के बाद आपको एक काम करना है, वो है अपनी चैनल को वेरीफाई करना, उसके बाद सारे फीचर्स आपको यूज़ करने के मिलेंगे। तो चैनल वेरीफाई करने के लिए आपको जाना है ये जे वाले सिंबल पे, यहाँ जाने के बगल में जो ये YouTube का सेटिंग है वहाँ पे जाना है गियर आइकन पे। YouTube के सेटिंग में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से अपन अपनी चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ गए अपनी चैनल की सेटिंग पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं योर चैनल और चैनल स्टेटस एंड फीचर्स, वो वाले ऑप्शन पे आपको जाने का है। वो वाले ऑप्शन पे आप जैसे जाएंगे आपको पहले ही दिखेगा जैक्स पांडू और नीचे रहेगा वेरीफाई, ठीक है। आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, पहले आप जाके वेरीफाई कर दीजिए, उसके बाद ही मोनेटाइजेशन आपका ऑन होगा। अभी वेरीफाई करने के लिए आपको अपनी कंट्री देखनी है, कर लीजिए। और नीचे है कि आप किस हिसाब से अपना वेरीफिकेशन कोड लेना चाहते हैं, बाई कॉल और बाई टेक्स्ट मैसेज, आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालना है। मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे डालूंगा नहीं, और आपको डाल के यहाँ पे सिर्फ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा मैं आपको बता दूँ कि आपके मोबाइल में एक कोड आएगा, वो मोबाइल अपने पास रखना, नीचे आप वो कोड डाल के वेरीफाई कर देना। उसके बाद में आपको रहेगा शो करेगा वेरीफाई की जगह पर पार्टनर वेरीफाइड। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपनी चैनल पे आया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस एंड फीचर्स में यहाँ पे मेरा लोगो है, ठीक है। यहाँ पे चैनल नेम डिसिफर शो है और आप देख रहे हैं पार्टनर वेरीफाइड, इस हिसाब से आपका भी चैनल पार्टनर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद में आप मोनिटाइजेशन उसका अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे अपलोड, मैंने अनेबल अपलोडिंग मेरा हो गया है, मोनिटाइजेशन मेरा अभी अनेबल नहीं हुआ है, लाइव स्ट्रीमिंग अनेबल है, सब चीज़ अनेबल है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सुपर चैट अभी भी अनेबल नहीं हुआ है क्योंकि वो 1000 सब्सक्राइबर के बाद में सुपर चैट अनेबल होता है। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी अपने चैनल को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में कस्टम यूआरएल अनेबल हो गया लेकिन मैंने किया नहीं है, बाकी सब चीज़ मेरी अनेबल हो चुकी है। तो इसी हिसाब से आप अपने चैनल को क्रिएट कर सकते हो और फर्स्ट आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। अभी आपको एक और काम करना है, अपना अबाउट सेक्शन में अपनी डिस्क्रिप्शन जो मैंने बोली थी आप मेरी डिस्क्रिप्शन पे वीडियो में रहेगी वो आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो आपको जाना है सिंपली यहाँ पे से अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आप चैनल डिस्क्रिप्शन में जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सीधेगा नीचे डिटेल्स है, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं और लोकेशन डाल सकते हैं और कोई भी आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और अपनी अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसका भी आप वेबसाइट यूआरएल डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मोर एंगेजमेंट यहाँ से, आप लोगों ने देखा इतना आसान है यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना, और हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी डाल दी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी आगे हम नए वीडियो में बताएंगे कैसे आप लोगो डाल सकते हैं, चैनल आर्ट डाल सकते हैं, सब कुछ हम आगे के वीडियो में बताएंगे। गाइज आप कमेंट करें कि क्या आप चाहते हैं कि हम और वीडियो यूट्यूब के टॉपिक पे बनाएं कि आपको कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है और कैसे आगे उसको ग्रो करना है, वीडियो अपलोड करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आप कमेंट में बताएं कि क्या आपको ये वीडियोज़ आगे देखने हैं, और अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।